उनके आरोप सही है। सही तो यह है कि अस्तित्व नेहरू का था ही नहीं, अस्तित्व सुभाष चंद्र बोस का था, सरदार पटेल का था, वो तो जबरदस्ती वाला अस्तित्व था। नेहरू से लेकर आज तक 60 साल इस देश को ऐसे लूटा गया डकैतों की तरह। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा दिया है और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही ये भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। राहुल गांधी राफेल को ले आदमी को जब ज्यादा खाने को मिल जाता है तो अपच हो जाती है, तो मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर को अपच हो गई है, ज्यादा सम्मान पार्टी मिल गया है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, क्या इससे विकास बढ़ेगा? पुरातन से जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों नाम बदले थे, मुगल शासन आया मुगल शासन नाम बदले थे, कितने मुलायम सिंह नाम बदले, कितने मायावती ने नाम बदले, अब योगी ने शुरुआत की तो कृष्ण करें तो लीला और कोई करे तो करेक्टर ढीला, वो सब करते रहे है? और अब योगी जी ने बदलना शुरू किया, सही से बदलना शुरू किया तो सब हायतोवा करने लगे। क्या मायावती नाम नहीं बदले थे? क्या मुलायम सिंह नाम नहीं बदले थे? क्या मुगल शासन नाम नहीं बदले गए थे? क्या अंग्रेज शासन नाम नहीं बदले गए थे? मुझे लगता है योगी जी सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो कलंकित नाम है, जो नाम नहीं होने चाहिए, वहाँ नाम का सुधार की आवश्यकता, नाम बदले जाना चाहिए। उनकी कैसी भाषा है? कोई खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये जमाना सारा, कमलनाथ जैसे और पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हुए और निमटने की बात करने लगे, वो ही निमट गए। अब कमलनाथ की कांग्रेस ही निमटने वाली है, वो ही ख़त्म होने वाली है। कांग्रेस के एक पूर्व सांसद गुफरान अहमद भोपाल के हैं, वो कह रहे हैं हम तो परेशान हो गए पप्पू का नाम सुनते सुनते, मंद बुद्धि बालक का नाम सुनते सुनते, इसलिए सोनिया से गुफरान अहमद ने आग्रह किया है कि राजनीति से इसको अलग करो, तो कांग्रेस थोड़ी बहुत बचेगी नहीं, तो कांग्रेस के बचने का कोई चांस भी नहीं है, तो कांग्रेस स्वयं समाप्त होने वाली है, वो हिंदुओं क्या देखेगी, हिंदू तो सारे विश्व में छाता चला जा रहा है। सोनिया गांधी कह रही है कि एनडीए